सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैवन। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे चैनल का नाम स्टडी लवर से बदल के स्टडी मैवन रख दिया गया है, तो सॉरी फॉर डैट। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एशियन गेम, जो कि फिलहाल अभी इंडोनेशिया में चल रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस सम क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एशियन गेम्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका सिंबल है एशियन गेम का। दोस्तों, पहले तो मैं इसके शुरुआत होने के पीछे का कारण बताना चाहूँगा कि जिस समय 1950s के टाइम पे, उस समय बहुत सारे एशियन कंट्री को आज़ादी मिली थी, तो वो अपने आज़ादी को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए आपस में ही एशियन डोमिनेंस में ही कंपटीशन करना चाहता था विदाउट वॉयलेंस, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था, यह तो आप सबको पता ही है। तो हुआ क्या उस वक्त, वो लोग आपस में ही मतलब एक तरीके से कंपटीशन करना चाहते थे पीसफुली। तो गेम के अलावा ऐसा कोई मतलब उपाय नहीं है कि मतलब आपस में कंपटीशन हो पीसफुली, तो गेम एशियन गेम्स की उस वक्त शुरुआत की गई। तो ये तो एक मतलब बहुत ही एक अच्छी शुरुआत थी। अब मैं बताता हूँ उस गेम के बारे में। देखिए, इसका सिंबल जो है ये है ब्राइट रेड सन विथ 16 रेज। ये जो मतलब अगर आप रे काउंट कीजिएगा, ये जो रे है 16 रेज रहता है, ठीक है। और सिंबल को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हर बार सिंबल में कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी दिखाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1951 को, और इस गेम का मतलब मोटो बोला जाए या स्लोगन बोला जाए, ये था एवर ऑनवर्ड, जो कि दिया गया था पंडित जी के द्वारा। पंडित जी समझ रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये इस गेम को बताने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स एक तरीके से बनाए हैं, जो कि मतलब इस गेम को लगभग डिफाइन कर देते हैं। और वो पॉइंट्स ये हैं, द एशियन गेम इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड वंस इन एवरी फोर्थ ईयर। तो कहने का मतलब है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट है, जो कि 4 साल में एक बार होता है। एथलीट्स फ्रॉम दी ऑल एशियन कंट्रीज आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। मतलब हर एशियन कंट्री से मतलब जितने एशियन कंट्री है उसमें से जितने एथलीट्स हैं वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द एशियन गेम इज ऑर्गेनाइज बाई दी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर द ओलंपिक। ये गेम ऑर्गेनाइज कराया जाता है OCA के द्वारा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये नाम ध्यान में रखिएगा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इंपॉर्टेंट है। और ये एशियन गेम जो है ओलंपिक गेम्स के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट गेम एक तरीके से माना जाता है। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ दी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द एशियन गेम्स। 10 मेंबर मिलके इस एशियन गेम की शुरुआत किए थे, तो इंडिया उनमें से एक था। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं एशियाड वर्ड अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है, एशियाड, ये एशियन गेम को ही कहा जाता है एशियाड, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मतलब एशियाड लिख दिया जाता है तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, तो एशियाड एशियन गेम को ही कहते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स इस गेम के, जब ये गेम हुआ है। तो पहला मैं 1951 का जो एशियन गेम था उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही था वो 1951, 4 मार्च 1951 को स्टार्टिंग हुआ था। तो इस समय जो होस्ट सिटी जहाँ मतलब ये गेम हुआ था वो था न्यू दिल्ली। हमारे भारत में ही इसका पहला गेम जो हुआ था, हमारे भारत में ही हुआ था। और इसका मोटो जो था गेम का, एक तरीके से स्लोगन बोलिए, वो था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एवर ऑनवर्ड जो है वो एशियन गेम का मोटो है, स्लोगन है, लेकिन हर साल मतलब जैसे कि हर बार जो गेम होता है उसमें कुछ नया ही मोटो उसमें दिया जाता है, और फ्लैग के साथ भी कुछ ना कुछ नया किया जाता है। जैसे कि देखिए 1951 में जो था, ये देखिए इसका तो ये बेसिक है ही, बेसिक ब्राइट रेड सन विथ 11 रेज है। उसके साथ देखिए ये 11 रिंग्स जोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय 11 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। 11 कंट्री जो पहला गेम हुआ था उसमें 11 नेशन पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फ्लैग में और मोटो में कंफ्यूज मत कीजिएगा। फ्लैग अगर कभी पूछे एशियन गेम का तो वो आप लिखिएगा ब्राइट रेड सन विथ 11 रेज, और कुछ मत लिखिएगा। उस समय इंडिया का परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो इंडिया का उस समय, इंडिया जो था सेकंड पोजीशन पे आया था विथ 51 मेडल्स, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। अगर इसके बारे में आप और जानना चाहें तो आप गूगल पे कर सकते हैं सर्च।
दोस्तों 1951 के बाद मैं 1990 ये डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे ईयर्स को डिस्कस करना ये छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट ईयर है मैं उसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। 1990 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब तक का सबसे वर्स्ट सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडिया का 1990 वाला था। इसमें 11th पोजिशन आए थे हम लोग और विथ 23 मेडल्स, जो कि अब तक का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। और उसके बाद 2014 एशियन गेम, मतलब जो अभी हो रहा है उससे जस्ट पहले वाला, तो वो था 17th एशियन गेम था। वो हुआ था साउथ कोरिया में, होस्ट सिटी था, होस्ट कंट्री एक तरीके से बोला जाए, और होस्ट सिटी था इंकॉन, साउथ कोरिया का एक सिटी है। और इसका मोटो जो था डाइवर्सिटी साइंस ईयर, मैंने मोटो के बारे में पहले ही बताया है कि मोटो तो है एवर ऑनवर्ड, लेकिन हर साल नया कुछ नया ही मोटो मिलता है, मतलब नया मोटो दिया जाता है। और फ्लैग के साथ भी ध्यान रखिएगा, देखिए ये फ्लैग है तो ये रेड सन तो है, ब्राइट रेड सन विथ 16 रेज, लेकिन उसके साथ देखिए ये साइड में ग्रीन ब्लू करके किया हुआ है 2014 में। 2018 में भी कुछ नया है, मैं दिखाऊंगा आगे। और टॉर्च लाइटर की बात किया जाए तो वो थे ले योंग ए, और इसमें टोटल 45 नेशन पार्टिसिपेट किए थे। नंबर ऑफ कंट्रीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछ दिया जाता है। और इंडिया का परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो ये था 9th पोजीशन पे विथ 57 मेडल्स। तो ये था जस्ट इसके जो अभी एशियन गेम चल रहा है उसके जस्ट पहले का ये था इंडिया का। के बाद फिर 2018 का बात किया जाए तो ये देखिए 2018 का ये सिंबल है जो कि अभी फिलहाल चल रहा है। इसमें ब्राइट रेड सन है लेकिन देखिए साइड से इसमें ऐसा किया गया है। तो फ्लैग के साथ बोला जाए तो कुछ ना कुछ नया मतलब किया ही जाता है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और मैं इसे खोजने की कोशिश भी किया, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। हाँ, इस बार का मोटो है वो है एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया इस बार का मोटो है। और होस्ट सिटी जो है इंडोनेशिया में जकार्ता, और जो प्लैमबैंग है वो होस्ट सिटी है, तो इंडोनेशिया इस बार इस गेम को होस्ट कर रहा है। और टॉर्च लाइटर सुशी सुशांति हैं, और इस बार भी टोटल 45 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंडिया अभी तक पोजीशन तो बता नहीं सकते क्योंकि गेम अभी तक ओवर हुआ नहीं है, और इंडिया अभी तक 25 मेडल्स जीत चुका है। लेट मी शो यू, ओके वेट, हाँ 25 मेडल्स अभी तक जीत चुका है जिसमें 6 गोल्ड, 5 सिल्वर, 14 ब्रोंज हैं। तो ये 25 मेडल अभी तक जीते हैं। और उसके बाद एट लास्ट मैं आप कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एशियन गेम्स से अगर उसमें क्वेश्चन आता है तो जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उससे बाहर नहीं आने वाला, इसकी 90% गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि इससे बाहर आने का कोई चांस बनता नहीं है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1974 में इसराइल जो है इस गेम को, एशियन गेम को छोड़ दिया था, उस गेम से मतलब हटा दिया गया था इसे। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसराइल अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बना हुआ है, तो मैं भी पूछ सकते हैं। इंटरवल की बात किया जाए तो आफ्टर सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरवल ऑफ हाउ मेनी इयर्स एशियन गेम्स अकर्स, तो 4 ईयर के इंटरवल पे होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1951 के बाद 3 ईयर के इंटरवल पे 1954 में हो गया था, पहला जो गेम हुआ था 1951, उसके बाद 3 ईयर के इंटरवल पे हो गया था, उसके बाद लगातार फिर 4 ईयर 4 ईयर कंटिन्यू किया गया। 2018 का होस्ट सिटी, विच कंट्री होस्टेड 2018 एशियन गेम, तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के जकार्ता, और प्लमबैंग में इसे होस्ट हुआ है, तो एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट 2022 एशियन गेम, तो होस्ट यहाँ क्वेश्चन में छूट गया सॉरी, तो चाइना 2022 में से होस्ट करेगा। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, नेम द कंट्री डेट वॉन एटलीस्ट 1 गोल्ड मेडल इन ईच एशियन गेम्स, तो एशियन गेम मतलब हर एशियन गेम में एक गोल्ड मेडल, एटलीस्ट एक गोल्ड मेडल जीतने वाले 2 ही कंट्री है, वो है हमारा भारत और जापान, 2 कंट्री है। मतलब कि अभी तक जितना एशियन गेम हुआ है उसमें हर साल एक गोल्ड मेडल जीतने वाला कंट्री है। पूछा इसलिए जाता है क्योंकि गोल्ड मेडल मतलब ये थोड़ा यूनिक है, इस वजह से पूछा जा सकता है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स इंडिया होस्टेड द एशियन गेम, तो सबसे पहली बार तो जो गेम हुआ था तो उससे सबसे पहला बार इंडिया ही उसे होस्ट किया था। अभी तक इंडिया 2 बार होस्ट कर चुका है, 1951 और उसके बाद 1982 में होस्ट किया था। वेयर आर दी हेड क्वार्टर ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो कि इस गेम को ऑर्गेनाइज करता है, वो है क्वैत सिटी में, इसका हेड क्वार्टर है। हु गॉट द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड ऑफ 2014, जैसे कि हर मैच में एक मैन ऑफ द मैच होता है, उसी तरीके से एशियन गेम में MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड मिलता है,
जो कि 2014 में मिला था कोशोक हैंगुनो को, जो कि जापनीज स्विमर थे, और 2014 में मिला था। अब देखिए 2018 में किसे मिलता है। और 2018 का जब खत्म होगा एशियन गेम, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोग का रिव्यू अच्छा रहा, तो मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ कि कौन सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता है इंडिया में इस ईयर का सबसे पहला कौन जीता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे होगा क्या कि आपका भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आई नीड योर ऑल सपोर्ट प्लीज़। और चैनल के अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो मतलब मैं PDF तैयार किया हूँ, उसे मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, डैट्स ऑल।